वजीर अला संजय बेनल सूबाई मामलन वारे खाते बाबत खास मददगार एम पी एस रियाज हुसैन शाह शिराजी जो है तसिन सूफिन दरवेशन की सरजमीन है जिन हमेशा अमन मोहब्बत ए भाईचारे को दर्स दिनो है उन असो फर्ज है बुजुर्गन के इन तालीम से अमल करें अड़न ख्याल इजहार हुन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अली गुल संजरानी से गड सिंध मशहूर बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह असाबी के मजार से चादर चाड़े 380 सालानी उर्स मुबारक की तकरीब जो इफ्ताह कर बाद मीडिया के नुमाइंदन से मौके से सिक्योरिटी इंतजाम बाबत साफिन के सवाल के जवाब में सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ठठो एक प्रोमिनेंट जिलो है उनके बावजूद सिक्योरिटी जहा बेहतर इंतजाम किया गया है। सिंध बोर्ड मुतासिन की वफाकी हुकूमत पारा मदद न कर सबब परदेह वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी पारा वजारत इस्तीफा देने बाबत पुछल सवाल के जवाब में उन बोर्ड दौरान सब का नुकसान सिंध थो हो सिंध के आबादगार के कणक के फसल के मद में 13 अरब रुपये की माली इमदाद फ्राहम करनी हुई उन में 5 अरब रुपया सिंध हुकूमत जडे त 8 अरब रुपया वफाक देना हुआ जी अजा तक वफाक हुकूमत फ्राहम न क्या जैसे सिंध में कणक की कटाई भी शुरू थी चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ एतरो चु है अस पाकिस्तान के वजीर आजम से गालाइंदी तो असा जे भी सिंध जहा जायज फंड दिना वन सकाफत खाते वे वजीर से मकली कब्रस्तान में मुकामी मांग के दफनाने के पाबंदी वे मामले से गाल बोल कई वेंदी उम्मीद है तो वो मसलो जल्द हल हजरत अब्दुल्ला शाह असाबी के सालाना उर्स मुबारक के मौके से सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त क्या वह।